हेलो एवरीवन इस वीडियो में हम ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी में जो पीएचडी का एग्ज़ाम हुआ है उसका जूलॉजी का क्वेश्चन देखेंगे जो कि पेपर टू है पेपर वन जो है वो क्वालिटेटिव टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड का होता है उसका भी वीडियो मैं आपको दे दूंगी इस पेपर में हम जूलॉजी का क्वेश्चन और साथ में जो उसके साइट पर आंसर दिया गया है उस हिसाब से उसका आंसर भी बताऊँगी तो स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है फिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एपीमर ग्लूकोज एंड रैबोज ग्लूकोज एंड गैलेक्ट्रोज ग्लूकोज गैलेक्ट्रोज एंड मेनोज एंड फोर्थ ग्लूकोज राइबोज एंड मैनोज तो मेरे हिसाब से इसका आंसर जो है वो ऑप्शन सी होना चाहिए यानी कि ग्लूकोज मैनोज एंड गैलेक्ट्रोज लेकिन साइड पर इसका आंसर ग्लूकोज एंड गैलेक्ट्रोज सही किया हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एयर पॉल्यूटेंट्स प्रोड्यूस्ड बाई फोटोकेमिकल ऑक्सीडेशन आर एच सी एल एच टू एस ओ फोर एच एन ओ थ्री पैन ओ थ्री एंड एल डी हाइड सी ओ टू एंड एस ओ टू एन टू ओ एंड एन ओ टू तो इसका आंसर जो है वो ऑप्शन बी हो जाएगा पैन ओ थ्री एंड एल डी हाइड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेटमेंट इज एक्ूरेट अबाउट ओ वेरियन साइकिल जी एच आर एच इनहिबिट्स एन एंटीरियर पिट्यूट्री फ्रॉम सिक्रेटिंग एफ एस एच एंड एल एच प्रोजेस्ट्रॉन स्टमलेटिंग मैच्यूरेशन ऑफ फॉलिकुलर सेल्स एस्ट्रोजन सिक्रेशन सीजेस वन सेकेंडरी ओसाइट ओव्यूलेटेड हाई लेवल ऑफ स्ट्रोजन एस्टिट द इंटीरियर पिट्यूटरीट एफ एंड एल एच तो इसका आंसर जो है वो ऑप्शन सी है स्ट्रोजन सिक्रेशन सीजेज एन द सेकेंडरी ओसाइट इज ओव्यूलेटेड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वट विल हैप्पन इन केस ऑफ रिमूवल ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम इन द फीमेल हमारा ऑप्शन वन है फर्टिलाइजेशन ऑफ एग विल नॉट टेक प्लेस सेकेंड ऑप्शन है प्रेग्नेंसी विल बी मेन्टेन्ड बट यूटरस विल नॉट फंक्शन थर्ड ऑप्शन है एबॉर्सन विल अकर एंड फोर्थ जो है एम्ब्रियो विल नॉट डेवलप प्रॉपरली तो इसका आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा एबॉर्शन विल अकर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है साइटोटेक्सोनोमी डील्स विथ क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन ऑप्शन ए क्रोमोजोम नंबर मॉर्फोलॉजी एंड बिहेवियर ऑफ क्रोमोजोम ड्यूरिंग म्योसिस ऑप्शन बी जेनेटिक रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म ऑप्शन सी साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन एंड ऑप्शन डी ऑल द अबॉब तो इसका आंसर जो है वो ऑप्शन डी हो जाएगा ऑल द अफाब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉमन इंडिकेटर ऑर्गेनिज्म ऑफ वाटर पॉल्यूशन इज टाइफी, एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका विब्रियो कॉलेरी एसचीरिया कोलाई तो इसका आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा स्टीरिया कोलाई हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बैक्टीरियल कंजुगेशन कांट टेक प्लेस बिटवीन फर्स्ट ऑप्शन एफ नेगेटिव, एफ माइनस एंड एफ प्लस सेकेंड ऑप्शन एफ वन एंड एफ माइनस थर्ड ऑप्शन एच एफ आर एंड एफ माइनस फोर्थ ऑप्शन एच एफ आर एंड एफ प्लस तो इसका आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा एच एफ आर एंड एफ प्लस हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रेकियल सिस्टम फॉर गैसियस एक्सचेंज इज फाउंड इन फर्स्ट ऑप्शन क्रेस्ट्रेशियन सेकेंड अर्थवॉर्म थर्ड इंसेक्ट्स एंड फोर्थ जेलीफिश तो इसका आंसर जो है वो ऑप्शन सी हो जाएगा इंसेक्ट्स यानी कि ट्रेकिअल सिस्टम जो है वो इंसेक्ट्स के अंदर होता है नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज कॉमन प्रिकर्सर फॉर सिंथेसिस ऑफ ऑल द स्टेरॉइड हॉर्मोन्स प्रेगनेलोन प्रोजेस्ट्रॉन सेवेंटीन हाइड्रोक्सी प्रेगेलोन बोथ ए एंड सी तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी ऑप्शन ए हो जाएगा प्रेग्नेनोलोन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यूजिंग द हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल विच एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट्स द फ्रिक्वेंसी ऑफ द होमोलोगस रिसेसिव जीनोटाइप पी स्क्वायर टू पी क्यू क्यू स्क्वायर क्यू तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा क्यू स्क्वायर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इमोबिलाईज्ड ऑन द माइक्रोटाइटर वेल इन सैंडविच एलिशा डिटेक्शन एंटीबॉडी सैम्पल कैप्चर एंटीबॉडी सेकेंडरी एंटीबॉडी कंजुगेटेड विथ एन एंजाइम तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कैप्चर एंटीबॉडी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एट विच सेल साइकिल पॉइंट सेल साइकिल इज हाल्टेड इफ़ द सेल्स डीएनए इज़ डैमेज जी वन एस जी एस जी टू जी टू एम जी नॉट जी वन तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर वन हो जाएगा जी वन एस हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर ट्रांसपोर्ट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन द मेम्ब्रेन प्रोटीन सोडियम प्लस ग्लूकोज फैसिलिटेट्स फर्स्ट फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन सेकेंड सिंपल डिफ्यूजन थर्ड सिम्पोर्ट फोर्थ एंटीपोर्ट तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी हो जाएगा सिम्पोर्ट हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रीनिंग इन बर्ड्स ग्रूमिंग इन मंकीज हेल्पिंग डॉल्फिन्स बाई अदर्स आर एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट एल्ट्रोइम सेकेंड रेसिप्रोकल एल्ट्रिज्मू सोशली एंड नन ऑफ द तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर वन हो जाएगा एल्ट्रिज्म हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इन यू कैरियोटिक जीन्स कंसेंसस प्रोमोटर सिक्वेंस कॉल्ड टी ए टी ए बॉक्स इज रिक्वायर्ड फॉर इनिशिएशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इट इज जनरली प्रेजेंट

द फर्स्ट स्टेप इन द एक्टिवेशन ऑफ ओवम ड्यूरिंग प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इज फर्स्ट फॉर्मेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन कौन सेकेंड पेनिट्रेशन ऑफ स्पर्म इन ओवम थर्ड फॉर्मेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन में ब्रेन फोर्थ फर्टिलाइजिंग एंटी फर्टिलाइजिंग रिएक्शन तो इसका आंसर जो है वो ऑप्शन डी हो जाएगा फर्टिलाइजिंग एंटी फर्टिलाइजिंग रिएक्शन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज एंटीजन बट डज नॉट इंड्यूस एंटीबॉडी फॉर्मेशन हॉस्ट्रा हिस्टोन्स हेप्टेंस नन ऑफ दब तो इसका आंसर जो है वो ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ माइक्रो ट्यूब्यूल एसोसिएटेड प्रोटीन टस प्रोटीन टैन प्रोटीन रो प्रोटीन जी प्रोटीन तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन डी हो जाएगा जी प्रोटीन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द रैंक को रिलेशन कोफिशियंट इज ऑलवेज प्लस वन माइनस वन बिटवीन जीरो सॉरी जीरो बिटवीन प्लस वन एंड माइनस वन तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा बिटवीन प्लस वन एंड माइनस वन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इरेवल इरवल फॉर्म अकिंग ड्यूरिंग डेवलपमेंट ऑफ होलोथ्यूरियंस इज ऑरिक्यूलैरिया ब्रैकोक्योलेरिया डोलियोलेरिया बिपिन एरिया तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी हो जाएगा डोलियोलेरिया नेक्स्ट क्वेश्चन है इन टाइप टू डायबिटीज मेलिटस इंसुलिन लेवल आर फ्रिक्वेंटली एव नॉर्मल बट द टारगेट सेल आर लेस सेंसिटिव टू द इफेक्टिव इफेक्ट्स ऑफ इंसुलिन दिस सजेस्ट दैट टारगेट सेल आर इम्परमीएबल टू इंसुलिन मे लैक इनफ इंसुलिन रिसेप्टर कैन नॉट कन्वर्ट इंसुलिन टू एन एक्टिव फॉर्म बोथ बी एंड सी तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी हो जाएगा मे लैक इनफ इंसुलिन रिसेप्टर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है शेल फॉर्ड्स लो ऑफ टॉलरेंस सजेस्ट दैट ऑर्गेनिज्म विथ अ वाइड टॉलरेंस लिमिट फॉर इन्वायरमेंट फैक्टर्स शो फर्स्ट नैरो डिस्ट्रीब्यूशन विथ लो पॉपुलेशन वाइड डिस्ट्रीब्यूशन विथ हाई पॉपुलेशन वाइड डिस्ट्रीब्यूशन विथ लो पॉपुलेशन एंड नैरो डिस्ट्रीब्यूशन विथ हाई पॉपुलेशन तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी हो जाएगा वाइड डिस्ट्रीब्यूशन विथ हाई पॉपुलेशन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ फिंच विथ लार्ज एंड फिंचज विथ स्मॉल बिग्स इंक्रीज इन पॉपुलेशन वाइल फिंचज विथ एवरेज साइज बिग्स डिक्रीज विथ पैटर्न ऑफ नेचुरल सेलेक्शन हैज़ अकर्ड डायरेक्शनल सिलेक्शन डिस्ट्रप्टिव सेलेक्शन स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन नन ऑफ दस का जो आंसर है वो ऑप्शन बी हो जाएगा डिसरप्टिव सिलेक्शन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड आउट द फॉल्स स्टेटमेंट इन कॉलाजिन पॉलिपेप्टाइट्स आर मेनली इन अल्फा हेलिक्स कंफॉर्मेशन डाइसल्फाइड लिंकेज आर इम्पॉर्टेंट फॉर कैराटीन स्ट्रक्चर इन सिल्क प्रोटीन फेब्रियोइन पॉलीपेप्टाइड्स आर ऑलमोस्ट इन इन बीटा कन्फर्मेशन अल्फा के इज अ प्रोटीन इन विच पॉलीपेप्टाइड्स आर मेनली इन अल्फा हेलिक्स कन्फर्मेशन तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए हो जाएगा यानी कि ऑप्शन ए जो है वो गलत है इन कोलाजिन पॉलीपेप्टाइड्स आर मेनली इन अल्फाहीलिक्स कन्फर्मेशन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव है वन पॉपुलेशन रिचेज कैरिंग कैपेसिटी जब पॉपुलेशन कैरिंग कैपेसिटी तक पहुंच जाता है उस टाइम क्या होता है यानी एक्सट्रीम हाइट पर पहुंच जाता है उस टाइम क्या होता है फर्स्ट ऑप्शन है मोर्टेलिटी रेट यानी कि डेथ रेट इक्वल्स टू बर्थ रेट सेकेंड है मॉर्टेलिटी रेट ग्रेटर देन बर्थ रेट थर्ड ऑप्शन है मोर्टेलिटी रेट लेसर देन बर्थ रेट एंड फोर्थ नन ऑफ द अव तो इसका आंसर जो है वो ऑप्शन सी होगा मोर्टेलिटी रेट इज़ लेसर देन बर्थ रेट यानी जन्म ज़्यादा होगा एंड डेथ जो है वो कम होगा तब जाके पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज़ होगा ये क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव तक हुआ टोटल फिफ्टी क्वेश्चन थे पेपर टू में जिसमें से मैंने ट्वेंटी फाइव अभी बताया है ट्वेंटी फाइव मैं नेक्स्ट वीडियो में बना दूँगी और इसका हिंदी में जो क्वेश्चन है इसका मैं अलग से वीडियो बना दूंगी तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो इसको लाइक करिए शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए